तो ये बड़ा जबरदस्त शॉक था मेरे लिए कल्चर कि मैं कैसे देश में आ गया हूँ। और दूसरा बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा जब प्राइम मिनिस्टर की पत्नी फिर से ट्रेवल कर रही थी गलती से, वो अपना पास भूल गई, वो उसको पकड़ के 20 पाउंड का फाइन लगा दिया। अब मुझे समझ ही ना आए कि इसकी लाल बत्ती मेरी गाड़ी ना है कि जब प्राइम मिनिस्टर की पत्नी है तो अंडरग्राउंड ट्रेन में ट्रेवल तो कैसे देखते देखते इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी। तो कोई मीठा बहन सुना है मेरी जान, कोई मीठा बहन सुना है, कोई टेढ़ा लैण दिखावे आंखे माता, कोई शिशकारा सुलगावे, कोई इत्र फुलेल लगावे, कोई मीठा बहन सुनावे, कोई शिशकारा सुलगावे, कोई इत्र फुलेल लगावे, हाँ जी इत्र फुलेल लगावे। जिगरवा काट डाले उतर जाए हैं छाती में, जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, झूली बरछी कटाई क्या, मुई तन्हाई ऐसी है, झूली बरछी कटाई क्या। और गजल का आखिरी शेर के हमन कबीरा की झूठी है उन्हीं के कर्जदारी, हमन कबीरा की झूठी है उन्हीं के कर्जदारी है, चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। मैं आज हिंदी विश्व अकेडमी का ये जो कार्यक्रम है उसमें मैं आई हूँ और मेरे को बड़े गर्व की बात है कि उसमें विश्व के हिंदी के लंदन से आए तेजेंद्र शर्मा जी के सामने अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला है। इससे पहले भी आप मुंबई में कर चुके हैं, हाँ परफॉर्मेंस कुछ सम्मेलन वगैरह में, आप इससे पहले पहली बार आ रहे होंगे। नहीं पहले भी कर चुकी हूँ, पहले भी एक हिंदी का हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम इस्कॉन मंदिर में, तो उसमें मैं 2-3 बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। कितना एक्सपोजर मिलता है कवि को, नए पुराने कवि हास्य कलाकार सबको, कितने ऐसे अगर इवेंट्स होते हैं क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं हम बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, मतलब नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है और मतलब जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनको सुनने का, उनको देखने का मौका मिलता है, और जो लोग आते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस वाले होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम उनको सुन पाते हैं, देख पाते हैं, और वो अपनी अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया, कैसे इन्वॉल्व किया है अपनी लाइफ में। आप किस तरह की आपकी गीति मैं आपको सुना देती हूँ, बस छोटा सा ही मैं सुनाना चाहती हूँ। गर्व है हमारा स्वाभिमान है, अपने भारत की सी पहचान है, राष्ट्रभाषा का ये ध्वज लहराए विश्व में, है यही संकल्प यही अरमान है, जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान है। होनी चाहिए, जब होगी तभी हम अपनी बातों को बोल सकेंगे, अपनी समस्याओं को सुन सकेंगे और सामने वाले की भी सुन सकेंगे, और क्या उसका समाधान है उसको निकालने के लिए भी हमारी एकता और हमारा आपस में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी साहित्य को या किसी भी भाषा को या किसी भी विचार को जब हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उसमें लोग तो चाहिए ना, कि आप सबके अलग अलग विचार लेंगे तो ही एक मंथन होता है कि विशेष रूप से चीज़ विषय क्या है, क्या ठीक है, क्या गलत है, और क्या एक दूसरे के लिए हमें करना है। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, भाषा का भी विकास होता है, ज्ञान का भी होता है, और जानकारी का भी और अनुभव का भी होता है। थोड़ा सा बताइए कि आप जब सब लोगों से मिले तो क्या डिस्कशन हुआ, मेरा तो कुछ डिस्कशन हुआ नहीं, मुझे तो उन्होंने बिठा दिया, मुझे क्या बताऊँ, पुरानी समझ के बिठा दिया होगा या यहाँ की इसलिए बिठा दिया होगा। मैंने सबसे पहला प्रोग्राम 1973 में यहाँ भरत व्यास जी के साथ किया था, गीतकार भरत व्यास,
फिर उपराष्ट्रपति बाद में बने, राष्ट्रपति बाद में बने शंकर दयाल शर्मा। जब वो यहाँ राज्यपाल थे तब उन्होंने मुझे शॉल उड़ाई है राजभवन। उसके बाद कितने प्रोग्राम किए, राम मनोहर त्रिपाठी, वीरेंद्र मिश्र, वीरेंद्र जी, यानी कितने अनेकों लोगों के साथ में। श्रेष्ठ काव्य मंच, साहित्यिक काव्य मंचों में रही, कॉलेज में रही और साहित्यिक गोष्ठियों में रही और सबसे पहले पुस्तक पनघट लिखी जो आज भी मील का पत्थर है। फिर चलता रहा, परिवार के साथ साथ काम किया मैंने। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं था कि खाली लेखन के लिए बैठ जाऊँ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उनको देखते हुए जो भी समय मिलता था उसमें लिखते थे। थैंक यू सर। आज का जो साहित्य सम्मेलन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तरह की गैदरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, जब सब साथ में मिलते हैं और जो डिस्कशन होता है कितनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं। देखिए, आज की जो गैदरिंग है वो बाकी दिनों की गैदरिंग से थोड़ी फर्क है और हटके है, क्योंकि आमतौर पे जो गैदरिंग यहाँ होती है वो यहाँ के कथाकार, यहाँ के कलाकार, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। मैं क्योंकि लंदन में रहता हूँ और हिंदी में लिखता हूँ, तो ये एक अलग किस्म का गेट टुगेदर है जिसमें मैं अपने यहाँ के पाठकों और श्रोताओं से मुखातिब था और बता रहा था कि हम लोग विदेश में जब रहते हैं तो किस तरह हिंदी का काम करते हैं, क्या कुछ लिखते हैं और हिंदी का लिखना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। क्योंकि जहाँ आलू भी अंग्रेज़ी में खरीदे जाएँ, प्याज भी अंग्रेज़ी में खरीदे जाएँ, वहाँ अगर हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में लिख के यहाँ तक पहुँचाते हैं तो थोड़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है। तो इस मामले में आज का ये जो गेट टुगेदर है, ये जो समारोह है, ये पिछले और समारोहों से फ़र्क है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जितने भी सुनने वाले थे वो हमारी मुश्किलों को सुनकर और हमारे लेखन को सुनकर उन्होंने बाकायदा उस पर शिरकत की और बताया कि हमारी बात उन तक पहुँच रही है। सर कितना इजी और डिफिकल्ट होता है जब वहाँ पे रहते हो हिंदी को इतना प्रमोट करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि देश में भी हिंदी कहीं ना कहीं, हिंदी भाषा और हिंदी का जो एजुकेशन है वो भी कम होते जा रहा है, तो वहाँ पे जिंदा रखना और अपने देश में जिंदा रखना कितना ज़रूरी है इस चीज़ का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के दो रूप हैं, एक भाषा है और एक बोली है। तो जिस तरह भारत में भी अब हिंदी भाषा से बोली की यात्रा कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता, बोलते तो ज़्यादा लोग हैं मगर लिखते कम हैं, इसी तरह से वहाँ हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, हिंदी का जो सिनेमा है, हिंदी के नाटक हैं, इन सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए और हिंदी की कहानी के ज़रिए हम अपने वहाँ के लोगों को इतना तैयार कर रहे हैं कि वो हिंदी समझें, हिंदी बोलें और अगर कोशिश हो तो हिंदी पढ़े भी। जो लिखने की स्टेज है वो बड़ी मुश्किल से आती है, वो तो यहाँ भी हर आदमी नहीं लिखता, कोई कोई लिखता है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम वहाँ की जो अगली जनरेशन है वो ये कह सके कि हम हिंदी बोलते भी हैं, हिंदी समझते भी हैं। तो ये जो मुहिम है काफ़ी हद तक चल रही है। हमें ये है कि देखिए, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, वो भारत से वहाँ जाते हैं, तो अगर यहाँ हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ हिंदी को कायम करने में हमें उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। आप अपनी बेटी के साथ को क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय? देखिए, मेरी बेटी है आर्या शर्मा, ये यहाँ टेलीविज़न में एक्टिंग करती हैं। इनका पहला एक सीरियल था जमाई राजा, फिर था हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, और पिछला सीरियल बेपनाह था, और अब ये नए सीरियल में आ रही हैं जो ऑलरेडी ऑन है सोनी टीवी पे, उसका नाम है मेरे डैड की दुल्हन। बाकी ये बताएगी किस तरह किरदार है आपका उसमें? जी, मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कई सारे शेड्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव मैं नहीं कह सकूंगी इस वक्त, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। और मैं वरुण बडोला जो अंबर का किरदार प्ले कर रहे हैं मेरे डैड की दुल्हन में, उनकी साली का रोल है मेरा, उनकी जो पत्नी, उनकी छोटी बहन, बड़ी बहन। तो ये शो ऑलरेडी ऑन है सोनी पे, बहुत सक्सेसफुल है, लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगी ऑडियंस से कि आप बस इसी हफ्ते, आई थिंक हो सकता है ट्यूसडे या वेंसडे से शायद मेरी एंट्री आ जाए, तो आप ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा आपको।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं। मुझे याद है कि आई थिंक मैं कॉलेज में थी जब उनके मैं शोज देखती थी और आई यूज़ टू एडमायर हर। आई थिंक लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया वी ऑल यूज़ टू एडमायर हर, एंड उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसे सीखने को भी मिल रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे कह सकते हैं या ऑन द जॉब लर्निंग कहते हैं, तो मुझे तो सीखने को ही मिल रहा है उनसे। और साथ में वरुण जी हैं, वरुण बडोला, जो बहुत ही मल्टी फैसेटेड इंसान हैं। वो एक राइटर हैं, वो एक सिंगर भी रह चुके हैं, और वो एक्टर तो हैं ही बहुत कमाल के, और वो डायरेक्ट भी करते हैं। तो अभी दो दिन बड़े इंटरेस्टिंग रहे, जब मेरी एंट्री हुई शूट में तो हमारे जो मेन डायरेक्टर हैं वो दुबई गए हुए थे शूट करने, तो उनकी एब्सेंस में वरुण जी ने मुझे डायरेक्ट किया एंड इट वाज अमेजिंग। ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर आल्सो। सो देखिए अब रिजल्ट जब आएगा, आप लोग पसंद करेंगे तब मुझे पता चलेगा आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू। सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा, इसमें तेजेंद्र शर्मा जी, आलोक श्रीवास्तव भी आए, मुझे इन्वाइट किया गया केशव जी ने, तो मुझे आज बहुत पसंद पड़ा। और मैं पुराना पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और गज़ल सिंगर हूँ, तो इसमें मुझे इन्होंने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जया दयाल, इनकी मिसेज, और इस सिलसिले में इसलिए जोड़ा गया कि हम लोग कलाकार हैं और डॉक्टर के साथ साथ हम लोग सिंगर भी हैं, और मैं अभिक्रम मिसेज इंडिया क्राउन लेकर आई हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा उन्होंने बुलाया था कि थोड़ा बोल देना। मिसेज इंडिया मतलब कि वो टैलेंट एंड ब्यूटी कंटेस्ट में गई और बाय चांस टैलेंट की वजह से मैं जीत गई, तो अब जीतने की वजह से मुझको यहाँ बुलाया गया, और ये सिंगर एंड सर्जन है, यही हम लोग का क्वालिटी है, तो केवल डॉक्टर रहते तो यहाँ केवल दर्शक बन जाते। थैंक यू सो मच। आलोक जी, आज के सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विश्व साहित्य का जो सम्मेलन था आज का, बड़ा छोटी सी, मैं तो सम्मेलन क्या कहूँगा, एक अच्छी छोटी सी कोशिश थी, ऐसी प्यारी सी गोष्ठी थी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ तेजेंद्र शर्मा जी का, जिनका हुक्म मिला, और राय साहब, और विश्व साहित्य सम्मेलन जो है ये, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुंबई आता जाता रहता हूँ, दिल्ली में नौकरी करता हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन कुछ लिखता करता हूँ, तो बस यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो बहुत दिनों से ये एक चल रहा था सिलसिला कि एक दिन एक शाम इस तरह से होनी है, बहुत अच्छा लगा आज इन सब के बीच मिल के। अच्छी बात ये हो रही है कि हिंदी साहित्य हो या उर्दू अदब हो, लोग अब उससे बहुत बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत खलूस के साथ जुड़ रहे हैं, और ये एक अच्छे लिटरेचर के लिए, और जब आप अच्छे लिटरेचर के साथ बात करते हैं, अदब के साथ बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल्चर डेवलप होता है, जिसकी इस वक्त हमारे पूरे समय को ज़रूरत है। थैंक यू। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम उदय दाहिया है और मैं एक हास्य कलाकार हूँ। आज के सम्मेलन की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? विश्व हिंदी अकादमी मिश्र एकदम आगे आगे चल रहे हैं, मेरा चले ये कार्यक्रम हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम को किशोर राय जी और उनकी टीम कराती है, और मैं इनके कार्यक्रमों में अक्सर आता हूँ जब कभी भी समय होता है, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े लेखक, कलाकार, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के भी बहुत सारे साहित्यकार इसमें सम्मिलित होते हैं और अपनी रचनाएं और अपनी प्रस्तुति देते हैं, और मुझे भी मौका मिलता है यहाँ पर, जब तक समय मिलता है तो मैं आता हूँ, सुनता भी हूँ, और कभी कभी मन करता है थोड़ा सा सुनाता हूँ। हिंदी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं? हिंदी जो है, हिंदी को जिंदा रखने, देखिए मैं तो एक हिंदी भाषी हूँ, किसी की मातृभाषा होती है, किसी की कामकाजी भाषा होती है, हिंदी भाषा मेरी रोजी रोटी है, क्योंकि मैं एक मंच का कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ, और मैं हिंदी भाषा में ही ज़्यादातर काम करता हूँ, मंचों पर हिंदी के कार्यक्रम करता हूँ, तो हिंदी भाषा मेरे अंदर रची बसी है और हिंदी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं जितने भी संयोजक हैं,
और केशव जी को पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मुंबई एक ऐसा शहर है जो भाग दौड़ का शहर है, जहाँ साहित्यिक माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। और आज जो आज की युवा पीढ़ी है वो हिंदी बोलने से कतराती है, विश्व हिंदी अकादमी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की जो यूथ है वो कहीं भी अगर हिंदी बोली जाती है तो शायद एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करती हूँ कि वो देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, मैं सतीश सर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो साहित्यिक माहौल होता है बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा, गज़लें, पोइट्री, बहुत अलग अलग थीम सुनने को मिल रही हैं और आनंद ले रहे हैं। जी, मैं एक मुखड़ा सुनाती हूँ, क्योंकि हिंदी की बात चल रही है तो मैं हिंदी भाषा पर ही सुनाती हूँ कि उर्मी छिपे भावों को जब व्यक्त करना चाहते हैं, उन्नत हो टूटी फूटी हम भाषा उसको कहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र की होती अपनी एक भाषा है, चलता जिससे देश का कार्य वही तो राष्ट्रभाषा है, देश का उत्थान पतन इस पर निर्भर करता, राष्ट्र भावना व्यक्त होती ज्ञान का संचार होता, और अनगिनत भाषा यहाँ है अनगिनत हैं बोलियाँ, अनगिनत भाषा यहाँ है अनगिनत हैं बोलियाँ, अनगिनत संस्कृतियाँ यहाँ हैं अनगिनत हैं नीतियाँ, किंतु हिंदी देश हित सर्वधारण भूल है, संविधान सम्मत सर्वव्यापी संस्कृत इसकी जननी है, भारत की सर्वाधिक जनता करती इसे प्रयोग, कई प्रांत की भाषाओं से इसका है संयोग, अति उन्नत विस्तृत साहित्य संस्कृत का